सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज हम लोग बना रहे हैं एक स्वीडिश जो कि है टर्की स्वीडिश। ये है थीरामिसू। तो आज हम लोग बनाएंगे हमारे घर पे थीरामिसू। ये तो सबसे पहले हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ले ली। क्रीम वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है इसके अंदर, वो सब ले लिया हमने। वनीला शुगर लिया है, वनीला एसेंस लिया है, और एक ये शेफ्ट है, स्टिफ है, इससे थोड़ा सा हल्की सी क्रीम टाइट हो जाती है, वो लिया है हमने। तो इस तरीके से पहले ही हम अगर सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ इकट्ठे कर लेते हैं तो थोड़ा आसान रहता है। ये साइड में मैंने कॉफ़ी का पानी लगा रखा है, तो इसको हम इसमें डिप करेंगे, वो आगे मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया क्योंकि इसमें हमारी क्रीम को बनाएंगे। तो बस मैंने अपना पूरा एक पैकेट ख़त्म कर लिया है इसके अंदर। ये डायरेक्ट मैं सुपर मार्केट से क्रीम का डब्बा लेकर के आई थी। तो इस तरीके से आप अपने दोनों डब्बे को पूरा खाली कर लेंगे इसके अंदर, और शुगर की क्वान्टिटी भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये लगभग 400 ग्राम तक की मैं क्रीम ले रही हूँ, और अगर अपन कप के हिसाब से मेज़र करते हैं तो आप लोग 2 कप क्रीम, फुल फैट क्रीम इसमें डाल सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी क्रीम पूरी निकाल ली इसमें। तो अब मैं इसके अंदर शुगर डाल रही हूँ। तो पहले मैंने थोड़ी सी डाली थी इसके अंदर शुगर, लेकिन ये पूरा डब्बा ही इसमें यूज़ आ जाएगा क्योंकि आगे हमें 2 कप चीज़ भी डालनी है। तो इस तरीके से आप एक साथ पूरी एक साथ भी डाल सकते हैं, और मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था तो वो भी नॉर्मल है। तो बस इस तरीके से आप पूरा इसमें शुगर डाल दीजिए, और उसके बाद में मैं ये सहने स्टिफ डाल रही हूँ। इससे थोड़ी सी बाइंडिंग आएगी इससे क्रीम में, ये जैसा है कि स्टार्च के जैसा है। तो अगर आपके पास ये कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर, तो आप लोग थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अबाउट 1 टेबल स्पून ये कॉर्न स्टार्च आप यूज़ कर सकते हैं सहने स्टिफ अगर आपको अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 पैकेट डाले हैं मैंने, तो आप 2 टेबल स्पून इसमें सहने स्टिफ का डाल सकते हैं। तो बस इस तरीके से, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी वेनीला शुगर, तो इससे थोड़ा सा वेनीला फ्लेवर आएगा। तो ये भी अबाउट 1 टेबल स्पून एक पाउच है, और 2 टेबल स्पून अपने दोनों पाउच डल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वेनीला एसेंस डालूंगी, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं 3 से 4 ड्रॉप्स में डाल दूँ इसके अंदर। वो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा लाइट फ्लेवर चाहिए तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में मैं इसको अच्छे से ब्लेंडर से पूरा ब्लेंड करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना इसका पूरा बटर निकल जाएगा क्रीम का। तो आपको ये देखना है, एक लिमिट कंसिस्टेंसी तक ही इसको ब्लेंड करना है। तो बस देखिए, इतने तक ही आपको उसको ब्लेंड करके छोड़ देना है। तो अब आगे मैंने लिए मैस्कारपोने की चीज़। तो चीज़ आप लोग जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं, बट प्लेन होनी चाहिए। और आप अपने घर पे भी जो चीज़ बनाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो अराउंड 2 कप्स, ये बड़े वाले मेजरिंग कप, 2 कप्स चीज़ है इन कप्स के अंदर। तो इतनी आप यूज़ करेंगे, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो उसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो बस इस तरीके से आप दोनों कप अपना चीज़ ले लीजिए, और उसके बाद में जो भी शुगर है मैंने बाद में डाल दी है जो मेरे पैकेट में थी। तो अराउंड 250 ग्राम्स मैंने इसमें वो पूरी शुगर यूज़ करी है। तो अगर आप इसको स्टार्ट में डालना चाहते हैं तो तब भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है तो उस तरीके से भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आप इसको अच्छे से पूरा ग्राइंड करेंगे, और इस तरीके से आप कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे। तो आप वीडियो में देखिए कि किस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी रहती है, ताकि क्रीम पूरी उसके ऊपर सेट रहेगी। वरना अगर बहुत लाइट कंसिस्टेंसी रखोगे तो ये क्रीम सेट नहीं हो पाएगी, और वो उसके अंदर पूरा डिप हो जाएगा, तो एक हल्का सा क्रंची सा फ्लेवर नहीं आ पाएगा। तो बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बस इस तरीके से आपको इस क्रीम की कंसिस्टेंसी रखनी है, और अब हम इसको पूरी सर्विंग प्लेट पे रखेंगे। तो इस तरीके की मैंने ट्रे ली है, तो बेसिकली ये इसी स्वीट डिश के लिए स्पेशली ये ट्रे है। तो इसके अंदर हम लोग इसकी पूरी लेयरिंग करेंगे। तो जो मैंने कॉफ़ी का पानी बनाया था, तो अराउंड 300 से 400 ml हम लोग कॉफ़ी का पानी लेंगे। तो इस ये कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी इसका फ्लेवर इसमें एनहेंस होकर आएगा। वरना अगर लाइट फ्लेवर वाली कॉफ़ी लेंगे तो इतना एनहेंस नहीं होगा। तो बस इस तरीके से बिल्कुल फटाफट से डिप करना है और बाहर निकालना है।
तो बस डिप करके बाहर निकालते ही आप इसको ट्रे में लेयरिंग के लिए रख दें। और उसके ऊपर आगे मैं दिखाती हूँ किस तरीके से हमारे को क्रीम की लेयरिंग। बस इस तरीके से जो हमारी क्रीम है उसकी लेयरिंग पूरी आपको अपने ट्रे पे कर देनी है। एक लेयर पूरी तिरामिसू के बिस्किट्स, ये अलग से स्टोर में मिलते हैं तो वही बिस्किट लेने हैं, तभी वो एग्जैक्ट सेम फ्लेवर आएगा आपके पास में। और उसके ऊपर ये हमारे को जो हमने क्रीम बनाई है उसकी लेयरिंग रखनी है। तो आप कंसिस्टेंसी देखिए, इससे ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए, वरना वो पूरा मैश हो जाएगा और टेस्ट वैसा नहीं बन पाएगा। तो बस मेज़रमेंट आपको जैसा मैंने बताया है उसी तरीके से लेंगे तो एग्जैक्टली सेम बनेगा। तो इस तरीके से पूरी अच्छे से लेयरिंग करनी है और उसके ऊपर हम लोग सेकेंड लेयर लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी सेकेंड लेयर पूरी इसके ऊपर सेट कर दी है। उसके ऊपर फिर से मैं क्रीम लगाऊंगी तो फिर क्रीम की लेयर आएगी। तो सबसे पहले हमने बिस्किट्स की लेयर लगाई, फिर उसके ऊपर क्रीम की, फिर से बिस्किट की, फिर उसके ऊपर वापस हमने क्रीम की लेयर लगा दी। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसको फ्रीज में रखना है। इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है क्योंकि फ्रीज़र में बहुत टाइट हो जाएगा ये। तो बस हमारे को इसको फ्रिज वाले टेम्परेचर पे ही रखना है, और मतलब 2-3 घंटे के बाद में जब आप इसको निकालेंगे उसके बाद में इसको निकाल करके हम इसको पूरा अच्छे से डेकोरेट करेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो बस मैंने इसको निकाल लिया है और अब मैं इसको कोकोआ पाउडर से पूरा डेकोरेट करूँगी। तो इस तरीके से आप एक चम्मच पूरा अच्छे से भर के निकाले और उसके बाद में उसको छलनी पे डाल दे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला काम है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है वरना जो भी इसकी लुकिंग होगी वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो बहुत अच्छे से पूरी जो क्रीम की लेयर है वो पूरी कवर हो जानी चाहिए कोकोआ पाउडर से, मतलब ये कहीं से भी आपको ऊपर से वाइट नहीं दिखना चाहिए। और बस इस तरीके से देखा आपने, मैंने पूरे लेयर को ऊपर से चॉकलेट पाउडर और कोकोआ पाउडर या काकाओ पाउडर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, पूरा मैंने कवर कर दिया। तो इसका टेस्ट हल्का सा बिटर होता है बट आपको जब खाएंगे तो इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि नीचे भी जो क्रीम का मिठास है और बिस्किट बिल्कुल फीके होते हैं तो बिस्किट का थोड़ा क्रंची सा फ्लेवर वो सब टेस्ट आएगा बहुत अच्छा सा। तो अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, तो ये मैं अपना थोड़ा सा देख का है मैंने आइडिया कि हाँ चलो कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो मैंने इस नाइफ की हेल्प से, अगर आप किसी को सर्व कर रहे हैं तो सच में इसको बहुत अच्छे से साफ सफाई से आपको पीस निकालना है इसका। और शायद मैंने थोड़ा सा ठंडा नहीं कम किया है इसको, तो ये थोड़ा ब्रेक डाउन हो रहा है क्योंकि अभी ऐसा था ना कि जल्दी से टेस्ट करना है, वरना बाद में जब मैंने खाया तो ये बिल्कुल सेट हो गया था। और इसको जब अपन प्लेट में सर्व करके देते हैं तो बहुत सुंदर से ये कट के पीस इसका निकलता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं रखनी है। बट फिर भी ये बहुत अच्छे से बन के निकला है और भी अच्छा होगा, बस टाइम दो। जैसे अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं मंडे को तो आप इसको फ्राइडे को भी बना के रख सकते हैं और सैटरडे को भी बना के रख सकते हैं। तो ये एक ऐसी डिश है कि आपके गेस्ट आ रहे हैं इन फ्यूचर तो आप लोग 2 दिन पहले इसको बना के रख सकते हो। तो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।